गाइस तो मैं अभिजीत जैसन यहाँ हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। तो आए गाइस अगर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 11। तो गाइस सुबह हमारी 5 बजे ट्रेन थी, लेकिन 5 बजे लेट होते तो 8 घंटे लेट हो गई। तो अभी 1 बजे आ रही, वो भी संभावना है। अभी कह नहीं सकते कितने बजे ट्रेन आए। तो गाइस अभी बहुत पता नहीं कैसा क्या है ट्रेन का। तो उत्कल एक्सप्रेस है 18477, देखते हैं। हमारी रिजर्वेशन तो है उसमें, लेकिन पता नहीं कैसे ट्रिप रहती है। लेकिन अभी तैयार होकर निकलते हैं क्योंकि जाना भी है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी रेडी हो चुके हैं, चलिए अब चलते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, निकलते हैं। हमारा बैग भी रेडी हो चुका है, जान जा रहे हैं हम। बाय, जल्दी 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 पूछिए तो ठीक है। माँ जी कहाँ हैं? अभी चलते हैं सीधा, रेडी हो चुके हैं। पंकज भाई से मिलते हैं। पंकज भाई चलें? ठीक है, मिलते हैं, देखते रहना ब्लॉग में, जब टीवी में देखते रहेगा हमें। चल चलते हैं, अभी विक्रम भाई भी आने वाला है, एल्विस, उससे मिलते हैं, चलते हैं सीधा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, हम आज जुड़ गए हैं एल्विस भाई, हमारे हैं ट्रिप पार्टनर, इनको पहचान लीजिए। इनका नाम है एल्विस यादव, और नाम तो सुना ही होगा। चलिए अभी ट्रेन आने वाली है, चलिए पहुँचे स्टेशन के अंदर। चलिए भाई फिलहाल बैठ चुके हैं ट्रेन में, अब क्या हालत खराब हो रही है बता नहीं सकते आपको, बस देखते रहिए। आ चुके हैं ग्वालियर, दोपहर के मतलब दोपहर के 4:30 बज चुके हैं, 4:30 में निकले थे, 2:15 पर वहाँ से झांसी से, क्योंकि वो ट्रेन छूट गई हमारी, हम दूसरी ट्रेन से आ गए, प्लान चेंज कर दिया। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं सीधा दिल्ली, दिल्ली से बस पकड़ेंगे हरिद्वार के लिए। तो अभी हम लोग ग्वालियर आ चुके हैं, ग्वालियर सीधा फिर आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से फिर हजरत निजामुद्दीन, वहाँ से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में फिर हम लोग बस पकड़ेंगे। अभी आपने मज़ा आया सफ़र में, और मज़े लेते रहिए हमारे साथ। गाइस फाइनली शाम के बज गए 6:18, हम पहुंच चुके हैं आगरा। एल्विस भाई सो रहा है, हम लोग की ट्रेन पूरी ये खड़ी हुई है स्टेशन पर। लेकिन सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा है, अगर आपको भी मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर देना चैनल पे। चलते हैं क्योंकि ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन का हॉल बन चुका है, हम बैठते हैं ट्रेन में। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। 2 मिनट पहले पूरी ये सीट खाली थी, 2 मिनट बाद वो पूरी भर गई। मेरी सीट वहाँ है, वो भी भर गई, ये यहाँ है, ये बनने की 2 सीटें हैं, लेकिन 11 लोग हैं लोग, और इनकी सब वेटिंग में है। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, करना पड़ता है। देखिए बच्चे कितनी छोटी सी बच्ची मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे में, चलो ठीक है रहते हैं। अभी उनके लिए खड़े हैं, वो बैठे हुए हैं। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं, लेकिन एक अंकल हैं, वो नए तरीके से कुछ चाय पिला रहे हैं, तो पी के देखते हैं क्या है। लेकिन आप कैसे पिलाते हैं? गली आ गए, क्या पी रहे हो? अंकल जी चाय, चाय ले ले, चाय ले लो, चाय दे दो, चाय पी ले। आपका तरीका अलग है पिलाने का है। चाय पिलाऊं? दूध पिला दे। नीचे तो इतनी भीड़ है, हम भी सूट छीट छोड़ के ऊपर बैठ गए, क्योंकि अब काफ़ी लोग आ जाते हैं बच्चों के साथ, तो इसलिए बैठे हम लोग भूख लगी। अभी खा रहे हैं हम लोग, ये खस्ते एल एस भाई लाए हैं, कुरमुरे कहते हैं, खस्ते जो भी कहते हैं खा रहे हैं। चलो खाइए, आप भी खाइए, इन्जॉय करिए। ये लोग भी खाना खा रहे हैं, इधर हम लोग खा रहे हैं, नीचे देखिए ऐसे। क्या चाहिए? 10 रुपये। किस बात के? खुशी हो तो दे दो, वरना तो मरना। खुशी तो बहुत है मेरे को। शादी हो क्या? नहीं नहीं, शादी करके आयो? क्या शादी करके आयो? शादी हो ही नहीं रही है। अच्छा हो नहीं रही, इस बात की खुशी है, बढ़िया है। आप लोग आशीर्वाद बना रहे हैं बस। लेकिन इस मुसीबत से ज्यादा देर तो बच नहीं सकते तुम। क्या
इस मुसीबत से बच नहीं सकते हो तुम। आप लोग करवा रहे तो हो जाएगी, हो जाएगी देखना। कब तक हो जाएगी? आशीर्वाद तो दे दो। माता रानी अच्छा रख के, राजू कुछ रख के, वाहेगुरु तक खाता, वाहेगुरु फतेह। जय हो, जय हो। देखा बोलो आप सुना उसने क्या कहा? मेरी शादी होने वाली है जल्दी, आप लोग आप लोग इनवाइटेड है। सही है, भविष्यवाणी कर दी तुमने। ऐसा बोलता है भाई, हफ्ते भर पहले से आ जाओ। पैसा बोलता है भाई है? सुबह शादी होनी है। कह रहा सुबह शादी होनी है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं करनी है अभी, अभी आप लोगों का प्यार बहुत है। अभी स्लीपर है कि जनरल हो रही है? देखिए मुझे लग नहीं रहा है स्लीपर है या जनरल है। इतनी भीड़ गाई, आज स्लीपर पर जनरल की तरह कर रही है। क्या कर रहे हो भाई? गाइस मैंने ट्रेन में खाने का ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। खाना 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 खाओगे या सामना खाना? देखो इतनी भीड़ में क्या कह ले, हम लोग भेज रहे हैं ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल और मसाले चाय, चाय बोल, चाय पिला दो। आज लड़की देखी हम चाय वाली, बोल गरम चाय, बोल गरम चाय, गुड बाले, गुड बाले, सब एक रसीले, बोले रसीले, चाय बोलो चाय। अरे वाह, बहुत सही। सारी मॉल यहीं पे मिलेगा आपको, सारी सेवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर, संपर्क करें। गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, उतरने वाले हैं। पक्की बात है, फाइनली आई एम इन दिल्ली। रेलवे स्टेशन है ये, देखिए अब चलते हैं सीधा बस स्टैंड, क्योंकि लेट हो रहे हैं। 9:25 हो चुके हैं, हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुके हैं। चलते हैं सीधी कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से बस मिलेगी हरिद्वार के लिए। गाइस अभी आ चुके हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से कश्मीरी गेट की मेट्रो पकड़ते हैं। पहुँचे सीधी कश्मीरी गेट बस स्टैंड, क्योंकि बस तो यहाँ से नहीं मिल रही है। फाइनली आ चुके हैं कश्मीरी गेट, अब बस ढूंढते हैं। फाइनली बस में बैठ चुके हैं, बस माजा पी रहे हैं, चलने वाली अभी 10 मिनट में। रात के बज चुके हैं अभी 11, हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे 4 बजे समथिंग हरिद्वार अप्रॉक्सीमेटली। प्लीज हम लोग का टिकट बन गया है कश्मीरी गेट से हरिद्वार 391 मेरा रंगर, बढ़िया सुविधा है। बस ये है, रास्ते में हमने एक बुक ली है जिस डेड टू वर्ल्ड, मुझे बहुत मन था बहुत दिनों से पढ़ने का, फाइनली मैंने ले लिए। आप भी पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। गाइस यहाँ पर बस रुकी है, रात के बज चुके हैं 12:30, हमें रुके हैं खाना खाने के लिए, अपना स्नैक्स वगैरह के लिए। बढ़िया है जगह, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर, पहले पता करते हैं क्या क्या मिलता है। ये कुछ इस जगह, ये हमारी बस, खाने पीने की जगह। हमने ऑर्डर किए थे, आए हैं राजमा की दाल और चावल, रात को यही खाते हैं हल्का खाना। चलिए खाइए भाई, हम भी खाते हैं, चलिए चलते हैं। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम हरिद्वार, ये हरिद्वार बस स्टेशन, यहाँ से हम लोग जाएंगे सोनप्रयाग। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा आज, इसका आगे का सफ़र आप कल देखिएगा। तो आज के लिए अलविदा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए अलविदा, मैं आप जय हिंद जय भारत।